अंतरिक्ष से निकला है एलियंस का झुंड जो ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स में एक एनर्जी नई सारे हीरोज हुए हैं जमा बचाने अर्थ को बचाने अर्थ को एलियंस को चाहिए कोको बीन्स जो है बड़ा कीमती वो तेजी से है आ रहे हम कैसे भला ये सहे तो हमें चाहिए रक्षक ही जो बचाए अर्थ को वापस ला सकते हो? हाँ बिल्कुल सर, वो सिर्फ एक रोबोट है, हम आपके रोबोट को वापस ले आएंगे। लेकिन हम उसे वापस कैसे लाएंगे? हमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी इस कोर से इस कोर में। जल्दी से मुझे वो कन्वर्टर दो। हाँ बिल्कुल सर, तो कन्वर्टर की कीमत की बात कर लेते हैं। और इसीलिए मुझे तुम्हारा कोको चाहिए ताकि मैं कोको उसे दे दूँ और कन्वर्टर लेके प्रॉम्प्ट को वापस ले आऊँ। वाओ, तुम कितने क्यूट हो। बिल्कुल, कितना प्यारा है ये। मुझे लगता है हमें इसे रख लेना चाहिए। क्या कहा? मैं कोई पेट नहीं, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये छुटकू तो भूखा है ऑटोबॉट। लो काजू खाओ। इतनी हिम्मत, देखो उसने ले लिया। रुको, उसे मत खिलाओ, ये नहीं खा सकता। तो फिर इसे क्या खिलाना चाहिए? मछली खाना चाहोगे? ये सिर्फ कोको खाता है, इसीलिए इसका नाम कोको जंबो है। इसका तो नाम भी प्यारा है, कितना क्यूट है। धमाला स्टेक। अरे गोपाल कहाँ है? इसे हमसे दूर ले जाओ। तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? नीचे उतरो गोपाल, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं, हमको परवाह नहीं है, जब तक वो आए हम यही रहेगा। तुम कौन? मैं? तुम्हारी गलती से हमें सीरियसली नहीं ले रहे। नो, पागलों ने कहा था तुम मेरे लिए कोको लाओगे, तुमने तो हमें बेवकूफ साबित कर दिया। एक बात बताओ, क्या तुम्हें प्रोब को जिंदा करने के लिए सच में कोको की जरूरत है? और क्या, बिल्कुल। ऐसा है तो तुम्हें मुझसे अच्छे से पूछना चाहिए था ना। अच्छे से पूछना होगा, इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए किसी से भी, तो बस प्यार से पूछ लो। सच में? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और तुम्हें इस तरह हमला करने की भी जरूरत नहीं है, कभी भी बस प्यार से पूछ लो। बॉस, ऐसा सच में कर सकते हैं? सच तो ये है कि मैंने कोको जंबो का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे फ्री मिला। तो फिर अब मुझसे अच्छे से पूछ लो। असल में मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। तुम कर सकते हो अडूडू, मैं जानता हूँ। कोशिश करके देखता हूँ। क्या आप प्लीज मुझे चुपचाप अपना सारा कोको दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। शांत हो जाओ डूडू, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। आप उसे समझा नहीं पाएंगे दादूलाल, और डूडू ने कभी किसी से ठीक से बात नहीं की है, उसके लिए ये मुश्किल होगा। तुम हार मत मानना डूडू, हमें पता है तुम कोशिश कर रहे हो। हाँ ये ठीक कह रहा है, तुम कोशिश करते रहो डूडू, किसी का इतनी जल्दी बदलना इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। क्या बात है डूडू, तुम कर सकते हो। बाबा इसमें बहुत देर लग रहा है, मुझे घर चले जाना चाहिए।
चाहिए था। अब तक तो मुझे अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं अडूडू, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके क्या प्लीज मैं तुमसे पीछा छुड़ा सकता हूँ? मुझे एक या दो पैकेट को दे सकते हो प्लीज तुम? क्या बात है अडूडू, मजा आ गया। मुझे तुम पर फक्र है अडूडू, तुम उस पोते जैसे हो जाओ जो मुझे कभी नहीं मिला। हाँ? तो मेरे दादू अब मुझे आप कोको दोगे ना? नहीं दे सकता, कुछ देर पहले ही मेरा सारा कोको खत्म हो गया। ये क्या मजाक है, मैंने इतनी विनम्रता से आपसे कोको मांगा और अब आप कह रहे हैं कि कोको नहीं है? रिलैक्स अडूडू। हाँ शांत हो जाओ डूडू। अगर तुम्हें कोको चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ा दे सकता हूँ, पर कल तुम्हें उससे सप्लायर के यहाँ से लाने में मेरी मदद करनी होगी। फिक्र मत करो अडूडू, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके तो तुम्हें कितने कोको की जरूरत है अडूडू? बागोगो ने कहा था मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 5 बैरल कोको काफी होंगे। 5 बैरल? तब तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। पर अडूडू दादू तुम्हारे लिए इतना सारा कोको नहीं ला पाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रहा है, कोको इतना सस्ता भी नहीं होता, पता है? हाँ? ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं प्रोब को वापस कैसे ला पाऊंगा? फिक्र मत करो, अगर तुम अच्छे बनने का वादा करते हो तो प्रोब के लिए जितना भी कोको चाहिए मैं लेकर आऊंगा। संभल कर, वो बहुत खतरनाक है। फिक्र मत करो, हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे कि तुम कोको के 5 बैरल खरीद पाओ। पर हम ऐसा कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है, पहले हम शुरू करेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे कान तो ऊपर है। अच्छा ओके, बढ़िया प्लान है ना? प्लान तो बढ़िया है। बॉय, पापा जोला की क्लास के बारे में मत भूल जाना। ओ हाँ, एक और बात, तुम्हें हमारे साथ पापा जोला की मैथ्स क्लास में भी आना होगा। पर मैं क्लास में क्यों आऊँ? तुम्हें हमारा मदद करना होगा, अगर नहीं किया तो हम फेल हो जाएगा। और हमारा पापा हमको बहुत मारेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अच्छा बन गया। ठीक है, तुम जो भी क्लास में कहोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। याद रहे, पापा जोला की क्लास के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। वाह बहुत बढ़िया, आखिर तुम लोग क्लास में आ ही गए। आपकी जगह मेरी वजह से मुश्किल हुई। पर पहले ये बताओ कि तुम्हारे जैसा एलियन मैथ्स के बारे में जानता है? हाँ जानता हूँ। अगर ऐसा था तो पेपर में तुम्हारे सिर्फ 20 मार्क्स ही क्यों आए हैं? ये तुमने गलत किया। शांत हो जाओ डूडू, गुस्सा मत करो और गहरी सांस लो डूडू। शांत हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम साबित करके दिखाओ कि क्या तुम सच में मैथ्स का असली मतलब समझते हो। बोलो बोलो, जानते हो या नहीं? ये सच नहीं हो सकता, मैंने आज तक इतना अच्छा मैथ्स नहीं देखा। सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही है, और जरा वर्क फ्लो को तो देखो, बेहतरीन, मेरा दिल तो खुश हो गया। क्या बात है अडूडू। हाँ, और तुमने जो पापा जोला के चेहरे पर किया वो तो अमेजिंग था। इसकी बात मत सुनो, वो तुमने ठीक नहीं किया था। वो बुरी बात थी लेकिन बहुत बढ़िया था। फिर कभी ऐसा मत करना अडूडू, तुमने वादा किया था कि अच्छे बन जाओगे, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करते। ठीक है, मैं याद रखूंगा, अब क्लास खत्म हो गई। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? तुम ठीक कह रहे हो। ओके, अब वक्त है ऑपरेशन कोको का, चलो। ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऑपरेशन कोको जब हम लोगों का मदद करता है ताकि कोको खरीद सके। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ये ऑपरेशन पैसे कमाने के लिए है, ताकि हम कोको खरीद के प्रोब को वापस ला सकें। तो तुम इस ग्रुप में करते क्या हो? मैंने अभी जो कहा तुमने सुना नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तब सुनना चाहिए। रिलैक्स हो जाओ अडूडू, चलो इसे फिर से अच्छे से समझाओ। ठीक है ठीक है,
हाँ तो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। हाँ तो पहला स्टेप ये अमेजिंग शर्ट पहनो जो मैंने बनाया। दूसरा स्टेप ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें मदद की जरूरत है। तीसरा स्टेप पूरी लगन और मेहनत से उनकी मदद करो। स्टेप फोर उन्हें डोनेशन की याद दिलाओ। क्या आप हमें थोड़ा चेंज देंगे प्लीज? अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। और सबसे जरूरी बात, ऑपरेशन के दौरान अडूडू को बहुत अच्छा बर्ताव करना होगा, नहीं तो ये कोशिश नाकामयाब हो जाएगा। कितना बोरिंग है, पर फिर भी क्या मैं भी ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ? नहीं हो सकते। पर क्यों नहीं हो सकता हूँ? ये ऑपरेशन सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हे, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मजाक कर रहे हो, भूल गए क्या पिछले ट्यूसडे को? और ये भी पैसे ये देगा। और फिर पिछले वेंसडे को पापा सुला आ गए। गुड मॉर्निंग टीचर। तुमने एक और चीज की थी, क्लासरूम डेकोरेट करने वाले दिन। ये तो बोबोबॉय है, तुम्हें भी पिंक पसंद है। उसकी वजह से लोग आज तक मुझे तरह तरह के नाम से बुलाते हैं। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। उस दिन तो तुमने हद ही कर दी थी, मैं सही कह रहा हूँ ना गोपाल? गोपाल, मैं भूल गया था कि तुम फैंस से मिले हुए हो। बस एक ही बार बोबोबॉय। मैं जानता था तुम इसे भी बिगाड़ दोगे। और तुम अडूडू फैन के साथ कभी मत रहना, क्योंकि वो जब तुम बुरे थे उससे भी बुरा है। बुरा बुरा, बहुत बुरा। इसी वजह से तुम कभी हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। मैं समझ गया, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बेकार ऑपरेशन डोडो में शामिल हो जाओ। माफ करना, पर इसका नाम ऑपरेशन कोको है। मैं तुम्हारे सारे प्लान्स बिगाड़ दूंगा, देखना तुम कभी कामयाब नहीं होगे अपने ऑपरेशन ऑपरेशन कोको। हाँ, मैं तुम्हारे ऑपरेशन कोको को फेल करके ही मानूंगा, तुम बस देखते जाओ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ओ, चलो भी अपने घर में वापस जाओ। वापस जाओ। सुनो सुनो, लगता है आंटी को हमारा मदद चाहिए। ऑपरेशन कोको शुरू करने का यही सही वक्त है। कैसी हो आंटी, मेरी मदद चाहिए? वो मुर्गी देख रहे हो? मैं 3 दिन से उसे उसके घर में भेजने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी चिंता मत करो आंटी, उसने आपको जो दुख दिया है उसे उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। ए एहसान परामोश मुर्गी। क्या तुम अपने दर्दे में जाओगी प्यारी मुर्गी? तुम्हें इतना दयालु होने की जरूरत नहीं है। इसे मुझ से दूर करो। शांत हो जाओ डूडू। हमारा काम उसे पकड़ना है, तुमने गोली मार दी तो हम नाकामयाब हो जाएगा। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, उसने तो हद ही कर दी। देखो उसने मेरे चेहरे का क्या किया। खुद पर काबू रखो, याद रखो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ सही कहा, पापा ने एक बार कहा था अच्छा बनने के लिए 2 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? पहला, तुम लोगों पर बंदूक नहीं तान सकता। और दूसरा, किसी मुर्गी को नहीं मार सकता। क्या ये सच है? ये सच है, है ना मुर्गी जी? देखो हमने मुर्गी पकड़ भी ली। हाँ तुमने ठीक कहा। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया, ये लो तुम्हारा इनाम। धमाला स्टिक तो है। चलो ईगल। अच्छा तो ये तुम हो फैंग। तुम कभी कामयाब नहीं होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने इतनी मेहनत से वो मुर्गी पकड़ी थी। रुको, मैं आकर तुम्हारी वहाँ पर हालत मेरा मतलब था संभल कर फैंग, क्योंकि मैं अपने दयालुपन से तुम्हारा दिल जीत दूंगा। उम्मीद है कि तुम समझोगे फैंग, मैं ये सब प्रूफ के लिए कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है, तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे ना, अब देखना मुर्गी पकड़ते ही रह जाओगे। तुमने हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? ये प्रूफ के लिए है, मुर्गी के लिए है, और कुछ पैसों के लिए। फिक्र मत करो, मैं और मुर्गी दोनों यहाँ सुरक्षित हैं। और ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए। शुक्रिया आंटी जी। कोई बात नहीं, इस बार तो बच गए।
याद रखना, मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूँगा। हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। देख लेना, तुम नाकामयाब ही रहोगे। पीले इस हरे चेहरे की, ये था विलेन, अब बन गया हीरो, और न समझो तुम सब इसे जीरो। पर मैं तो अब तक विलेन ही हूँ। हे अडूडू, तुम कहो ना यूं, अच्छे काम करो और कहो थैंक यू। पैसे जुटाने ताकि मिले कोको, देख क्या रहे हो, चलो चलाओ ये शो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे अपने प्रो को रिपेयर करना था। चाहिए मुझे पैसे बेशुमार, अब मुझ में है अच्छाई की भरमार। दोस्तों चलो मेरे साथ, चाहिए किसी को मदद का हाथ। चलो चलो चलो, देख क्या रहे हो, मजाक था ये, बुरा मान के रहे हो। ऑपरेशन कोको, भला करोगे तो मिलेगा कोको, हंस जाओ घर कहीं तो याद कर लो हम आएंगे। अजूजू करना है काम, पैसे है कमाने ना करना आराम, धीरे धीरे होगा मिशन पूरा, रहेगा ना कोई भी काम अधूरा। मैं था एक विलेन बुरा और शैतान, अच्छा काम करना नहीं है आसान, पर अब ना किसी को सताना है, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। ऑपरेशन कोको, करोगे तो मिलेगा कोको, हंस जाओगे कहीं तो याद कर लो हम आएंगे। ऑपरेशन कोको, भला करोगे तो मिलेगा कोको, हंस जाओगे कहीं तो याद कर लो हम आएंगे। हफ्ते में मंजिल आ गई, पैसे मिले हमें, हिम्मत आ गई, दादू लाल को दिए पैसे पूरे, कोको पाने के सपने हुए पूरे। देखो कल जो था जीरो, वो आज बन गया हीरो, देखो तो अडूडू अब है एक कूल डूड। ए, मेरे बालों को मत छुओ, सॉरी, रिलैक्स। देखा, अडूडू बन गया जीरो से हीरो। गुस्सा करना है मना, अच्छा काम है करना। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया सर, मुझे कोको पाकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई बाको को, मुझ पर भरोसा रखने और मुझे एक और मौका देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, आप मेरे भाई की तरह हैं। आप उस भाई की तरह हो जो मुझे कभी नहीं मिला सर, अगर मेरा कोई भाई होता तो वो आप ही की तरह हैंडसम होता। आप बहुत दयालु हैं सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है सर, आप सच में बहुत हैंडसम हो। अरे बाप रे, लगता है मुझे चलना चाहिए। हाँ ठीक है, उम्मीद है कि आप इस कोको को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करिएगा। हाँ बिल्कुल करूँगा सर, मैं इसे ब्लैक मार्केट में ले जाऊँगा और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दूंगा। मैं आपके और आपके कोको की बदौलत बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं खूब पैसे खर्च करूंगा और खुद के लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा, 10 बेडरूम वाला घर जिसमें पूल भी होगा। इतने पैसे खर्च करने से पहले सोच लेना, अगर तुम ये चैरिटी को दोगे तो बेहतर नहीं होगा क्या? बॉस आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, अब मैं सुधर गया हूँ। मैं। हाँ आप बदल गए हैं, सुधर गए हैं, अच्छा मजाक है। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, देखते हैं तुम्हारी कितनी हंसी निकलती है इसकी गोली खाने के बाद। धमाल आस्टिक अडूडू, इस कन्वर्टर को हासिल करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, हमें खुशी हुई। हाँ तो फिर जल्दी करो ना, देखते हैं कन्वर्टर काम करता है कि नहीं। तो हो जाए दोस्तों, उम्मीद है ये कन्वर्टर काम करेगा, प्रोब को वापस लाने का यही मौका है। Thank you.
हाँ जाना है सफर पर एक, किसने तुम्हें रोका, हाँ यही है सही मौका, डरो ना और ना हो परेशान, मिलेगी पहचान, बस संग मेरे बढ़ते चलो, चाहे अंधेरा क्यों ना छाए, बदलेंगे ना कभी अभी ये राह, करेंगे सामना मुश्किल जो भी आए, चलो साथ लेके हाथों में हाथ, चलो साथ, चलो साथ, हाँ ये मेरा है वादा, बदलेगा ना इरादा, तेरे साथ न छूटेगा कभी ये हाथ, आएगा ना ऐसा मौका, होगा ना कभी धोखा, चलो साथ लेके हाथों में हाथ, चलो साथ, चलो साथ, चलो साथ।